अस्सलाम वालेकुम, माइलवेज यूनुस जी, मैं आपका दोस्त यूनुस बोलानी आपके लिए हाजिर खिदमत है। दोस्तों, हम हैं कि आपकी एक स्माइल की खातर घंटों मेहनत करते रहते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करते रहते हैं, और आप हैं कि सब्सक्राइब और लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। दोस्तों, आज का शो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं पंजाब से कराची गया और फिर कराची से वापसी आया चार दिनों के अंदर पे। तो वापसी में एक दूसरा दोस्त मेरे साथ आया, गाँव का दोस्त था। गाँव के दोस्त के साथ सफ़र करना इंतहाई दिलचस्प होता है। सामने एक औरत बैठी थी, तो वो कंडक्टर को कहती है, हब्स हो रही है, मुझे ज़रा कोई और सीट दे दें। तो मैंने कहा, यार अपनी सीट दे देते हैं। वो कहता है, हम कौन सा टोयोटा क्रोला में सफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा, अबे यार कोई इंसानियत भी चीज़ होती है। कहता है, इंसानियत का है कि वो कोई चाकू पे बैठ के सफ़र कर रही है। हाँ, तो उसके जिस मैडम के पास काम करता था उसकी कॉल आ गई, तो कॉल सुन रहा है, कहला है, हाँ हेलो, कह रही आपकी आवाज़ कट के आ रही है बेटा। कहता है, मनहूस एलपी लेके बैठ जा, जोड़ के सुन ले, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सफ़र कर रहा हूँ। यार तमीज़ से तो बात कर ले। अच्छा, हर चीज़ को ना सफ़र में भी छेड़ता रहता है। तो सामने एक आंटी बैठी हुई थी, अब ये बार बार उसको शीशे को खींच रहा है। अच्छा, फिर थोड़ी देर में उसको देखता है, कहते हैं, आंटी आपका दुपट्टा उड़ रहा है, चेन में आ जाएगा। तो वो भी सामने एक देहाती औरत थी, वो देख के कहती है, बेटा इतनी बड़ी बस इन्होंने ले ली, चैन कवर नहीं लगवाया। अच्छा, थोड़ी देर बाद ना, तो मैं ऐसे सीट के ऊपर पाँव रख के बैठ रहा था। हमारी गांव की जो बसें होती हैं ना, तो उनमें बच्चे भी सीटों के दरमियान सुला देते हैं। तो अब मैंने ऐसे टांग फैला के बैठा, तो बच्चे के सर पे लगी, मैं पीछे होके बैठ गया। अच्छा, अब दोबारा मैं पाँव ऊपर रख के बैठ रहा हूँ बस के सीट के ऊपर। जैसे ही मैंने पाँव रखा, पीछे बच्चे के रोने की आवाज आई, मैं मुझे फौरन कहता है, तूने बच्चे के पूंछ पे पाँव दे दिया। अब बच्चे की औरत ने फिर जो इसकी की, जो वो शौहर की करती थी, फिर मैंने उसे समझाया, मैडम ये आपके बच्चे को दरअसल शेर का बच्चा कह रहा था, आप बुरा मना गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको राजी किया, फिर उसको देख के कहता है, यार लगता तो लगड़ बगड़ का बच्चा है। अब फिर से गालियाँ। अच्छा, थोड़ी देर में फिर वही शरारत, शीशा खींचने लग गया। अब जैसे ही शीशा खींच रहा है, आगे से आंटी बैठी है, उसने उंगलियां शीशे के नीचे दी हुई है। वो बस वाला जैसे ही साइड शीशा इसने खींचा, आंटी की उंगलियों के ऊपर लगा, उंगली कट गई। आंटी जोर से चिल्लाती, मेरी उंगली। कहते, आंटी वो पड़ी हुई है। अब वो बेचारी, देखो अब मैं भी राइटर बंदा, अब मैंने जेब से कागज़ और कलम निकाला, मैंने कहा ये वाक्या लिख लूँ, अपने नाजरीन को सुनाऊँगा। मैंने जैसे ही वो निकाला, अब सामने से कंडक्टर भी देसी, उसने बत्तियाँ फ़ौरन बंद की, जैसे चिलाट विलाट की आवाज़ आई, उसने कहा दफ़ा करो इन लोगों को। उसने गाना शुरू कर दिया, फ़ौरन गाना चलाया, शहजादा पहली तारीख को आवेगा मेरा चंद शहजादा। अब सामने से मेरा दोस्त उठ के खड़ा हो गया, कहते हैं, आहा बाकी दोस्त पड़ी हुई हो भाई, खुदा का खौफ करो। अच्छा, अब मैंने लिखना है, उसने लाइटें सारी बंद कर दी। देहात की बस है ना, वैसे तो बसों में लाइटें लगी होती हैं ऊपर लाल वाली पूरी बस में। अच्छा, इसमें सिर्फ दो ही थी, एक बिल्कुल पीछे और एक वो हमारी आंटी के ऊपर वाली। अब मैं लिखना शुरू हुआ, कहते है, कैसे लिखोगे? मैंने कहा, लाइट लाल लाइट है ना, इससे काम चला लेते हैं। कहते है, यार किसी दूसरे की बत्ती पे लिखना ना बगैर इजाजत के जुर्म है। फिर कहता है, देखा इकबाल हमेशा देर से आता है। तो क्या हुआ? कहता है, यार स्कूल में जलील जो हुआ हूँ, सीखा बहुत कुछ हूँ। मैं कहा, वे चार दिन से तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ, एक कॉल तुमने सुनाया है। अच्छा, मैंने कहा फिर क्या करें? कहते हैं, आंटी से इजाज़त लेते हैं। मैंने कहा, यार देख ले, हो सकता है दर्द से वो मर्द की बच्ची बेहोश पड़ी हुई हो। तो आंटी को देखता है, तो आंटी ना दर्द के मारे यूं करके पड़ी हुई है, उंगली मुंह में दी हुई है दर्द। तो जैसे ही देखता है वो, आंटी ने ऐसे करके इसकी तरफ देखा, कहते हैं, आंटी शुक्र हुआ तुम्हारा रोज़ा नहीं था, वरना टूट जाता, खून वाली उंगली मुँह में दी हुई। अब उसने जो इसकी हालत की, कहते हैं, आंटी बुरा नहीं मनाओ, हम आपकी उंगली पे एक कहानी लिख रहे हैं। देहाती दोस्त के साथ सफ़र करना बड़ा दिलचस्प होता है।
ये तो अभी थोड़ा सा सफ़र किया है, आगे वाला सफ़र आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ यार शेयर भी कर दिया करो। जॉय करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों में हंसी बांटते रहो। यूनिस बोलानी को दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।